तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग जो है ना वो एक्टर बनना चाहते हैं और उसके लिए मुंबई आना चाहते हैं। लगातार मुझसे सवाल पूछते हैं कि आखिरकार मुंबई के हालात अब सुधरे कि नहीं सुधरे, कोविड वगैरह खत्म हुआ कि नहीं हुआ, और जो मास्क लगाने का फाइन वगैरह बंद हुआ कि नहीं हुआ। और इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि मुंबई आए और ऑडिशन दें, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऑडिशन जो है देने की शुरुआत मुंबई में हुई या नहीं हुई, और जो बिल्कुल नए हैं उनको ये बताने वाला हूँ कि आखिरकार मुंबई में सबसे ज्यादा ऑडिशन कहाँ होते हैं और वहाँ पे क्यों होते हैं, ये भी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग आज नए आए हैं मेरे चैनल पर, बता दो कि मैं हूँ रामा यादव और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल फिल्मी रामा। मैं इस चैनल पर फिल्म लाइन में कौन कौन सा काम आप कर सकते हैं, वो कैसे मिलेगा, कार्ड असली नकली, है ना, ऑडिशन के बारे में लगातार वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए देते रहता हूँ। तो भाई मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए ना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिरकार मुंबई में जो फिल्मों के या फिर कहें वेब सीरीज के या फिर म्यूजिक एल्बम के या सीरियल के ऑडिशन शुरू हुए कि नहीं हुए। तो आप जानते ही हैं कि बंद क्यों हुए थे, आपको पता ही है भाई, सभी को पता है, पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे मतलब कि पूरे पृथ्वी को पता है कि ये सब बंद क्यों हुए थे। फिर तो 2.5 साल से ये सारे जो है ना ऑडिशन, ये जितने भी ना कास्टिंग डायरेक्टरों ने अपने जो है ना ऑफिस बंद रखे थे। अच्छा ये होते कहाँ है मुंबई में, पहले ये जान लीजिए। देखिए आप अगर मुंबई आ रहे हैं तो एक ही जगह आपको आना पड़ेगा और वो है अंधेरी। जी हाँ, इसके दो भाग हैं, एक पूर्व एक पश्चिम। तो पूर्व में ज़्यादा कुछ होता नहीं, यानी ईस्ट में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन स्टेशन के वेस्ट साइड में बहुत कुछ, फिल्म इंडस्ट्री का मैं कहूँ तो 60% काम होता है, 60% होता है, 20% काम पूर्व में होता है, यानी गोरेगांव पूर्व में, यानी ईस्ट में, गोरेगांव ईस्ट में फिल्म सिटी में, ठीक है ना। तो हम वेस्ट की बात करते हैं, अंधेरी वेस्ट में अगर आप आते हैं तो वहाँ से आपको बस, रिक्शा या फिर आप प्राइवेट टैक्सी वगैरह कुछ भी लेकर इन जगहों पे जा सकते हैं ऑडिशन देने के लिए। देखिए पहली जगह जो है ना मैं आपको बता दूंगा कि भैया आराम नगर जाना होगा, वर्सोवा कहेंगे तो वर्सोवा के क्षेत्र में आता है आराम नगर 1 और 2, ये दो भागों में वहाँ बटा हुआ है, एक एरिया पड़ता है जिसको एक जो बोलते हैं रोड के इस साइड आराम नगर 1 और आराम नगर 2 जा सकते हैं। वहाँ पे ये कहता हूँ कि भाई वहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन ऑफिस है, बहुत बहुत प्रोडक्शन के मतलब बड़े बड़े जिन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में किया उनके ऑफिसेज हैं। यहाँ तक कि वहाँ पे जितने भी आप जो एड देखते हैं ना, जितने भी ये विज्ञापन वगैरह देखते हैं, इनके भैया प्रोडक्शन ऑफिस है, समझ गए। और मैं आपको बता दूं कि मुखिया छाबरा को आप सभी सब जानते होंगे, उन्होंने कई नए नए लड़की लड़के को लॉन्च किया है कई फिल्मों में, और कास्टिंग वो करते हैं क्योंकि उनकी कास्टिंग की हुई बहुत सारे लड़के लड़की दूसरे पिक्चरों में भी काम करते हैं। तो ये जो है ना वहाँ पे उनका ऑफिस है, और वहाँ पे इसके साथ साथ जैसे आपको सिंगिंग सीखना हो या आपको जो है कोई कोर्स लेना हो, जैसे सिनेमाटोग्राफर का कोर्स लेना हो या फिर आप लोगों एक्टिंग का कोर्स लेना हो या फिर मतलब किसी म्यूजिक वगैरह का लेना हो, तो अगर नाटक वगैरह में करना हो काम, तो वहाँ पर इसके जो है ना स्टूडियोज भी मौजूद है। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे जो है ना मतलब फिल्म का मैंने आपको कहा ना 60% वहीं पे होता है, तो इन सारी जगहों पे होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जितने ऑफिसेज हैं ये क्या करते हैं कि अपने ऑफिस पे भी अपने आने वाली फिल्म या आने वाले जो एड है उनका जो है ऑडिशन ले लेते हैं, इससे खर्चा बच जाता है ना, ठीक है ना। और भाई इतने बड़े प्रोडक्शन ऑफिस जो है प्रोडक्शन वाले ले रहे हैं तो भाई लोगों का विश्वास भी बनता है। तो ये क्या करते हैं, एक मैसेज टाइप करके डाल देते हैं ग्रुप के अंदर, अब ग्रुप पे जैसे ही मैसेज फैलता है बस सब लोग आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त के क्या हालात है वो बताऊंगा, लेकिन आपको ये बता रहा हूं कि कहां कहां होते हैं। अभी फिलहाल जो है कि ऑनलाइन सब चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। अब इसके साथ साथ में अगर आपके पास समय हो तो आप जा सकते हैं चार बंगला माड़ा, यहां भी दो है भाई, एक तो चार बंगला माड़ा हो गया और एक है न्यू माड़ा। न्यू माड़ा की जो है एक बिल्डिंग है, उसके अंदर बहुत सारे जो है प्रोफेशनल ऑफिस होते हैं, जैसे आप जानते ही होंगे आप जो है क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, इनके ऑफिस उसी के अंदर है। लेकिन न्यू माड़ा के अलावा जो है, जो हमने कहा कि चार बंगला माड़ा जहां पर टेलीफोन एक्सचेंज है, समझ लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ टेलीफोन एक्सचेंज है वहाँ पर अगल बगल में तो बहुत सारे ऑफिस है भाई। इनके साथ साथ ये एक्टर के अलावा भी कैमरा रेंटल, साउंड रिकॉर्डिंग, लाइट जो है रेंटल हाउस है, उसके साथ साथ मेकअप डिपार्टमेंट, ऐसे अनगिनत, इसके साथ साथ एक्टिंग डिपार्टमेंट, डांसिंग डिपार्टमेंट, अरे भाई मैं जो बोल रहा हूँ आप जाओगे तो वहाँ देख लोगे तो हैरान हो जाओगे। यहाँ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसे कम है ना, बार्गेनिंग करना हो कि भैया मुझे इतने में सिखाओगे, ठीक है वो वाला जो है क्लासेस वाला इतने में सिखा रहा है ना, यहाँ तक कि शक्तिमान जी भी वहीं पर रहते हैं, आप जाकर ढोलोगे मिल जाएगा। बड़े बड़े यार हिमेश रेशमिया का भी तो वहाँ साउंड रिकॉर्डिंग, मतलब मैं क्या बोलूँगा आपको, जितना बोलूँगा उतना कम है, ठीक है लंबी हो जाएगी वीडियो। तो यहाँ पे उनके सबके ऑफिस है। इसके साथ साथ फिल्म शूटिंग में सामान जो होते हैं ना, सारे जो लगते हैं नकली खून, आंसू, मेकअप, है ना, जो फिल्म की शूटिंग के लिए जैसे अभी जो बुक डायरी वगैरह, फिल्म इंडिया डायरी वगैरह जो भी चाहिए होता है, ये जो है आपको आदर्श नगर में मिलेगा।
आदर्श नगर, ये घूम फिर के आप 2-3 किलोमीटर के अंदर ही जो है ना ये सारे लोग हैं। तो आदर्श नगर में जो है ना ये सारे जो है ना दुकानें आपको मिल जाएंगी। या साथ साथ अगर आपको डॉक्टर का ड्रेस, वकील का ड्रेस, कार्टून का ड्रेस या किराए पे जो कपड़े चाहिए उनके भी जो है शॉप वहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसी के बगल में जो ओशूरा है, ओशूरा पुलिस स्टेशन के ठीक बगल में है शिवजी होटल, उसके ऊपर भी बहुत सारे जो है ना जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जो भी लोग हैं वो अपने जो है ना स्टूडियो रखे हुए हैं, वहाँ पर भी अपना ऑडिशन लेते हैं। लेकिन अभी के हालात क्या है ये गुरु बता दो भाई। देखो अभी किस समय ये हालात है कि बंद हुए 2-2.5 साल हो गए थे, अब ये खुलना शुरू हो रहे हैं। तो भैया कोई चीज़ बंद पड़ी रहेगी तो उसके हालात क्या होंगे अंदर, क्योंकि ना कोई काम करने वाला है ना कोई पगार देने वाला है। तो भैया ऐसे जितने लोग थे ना 80% जो लोग थे जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर वाले थे ना ये जो थे भाड़े पे कमरे लिए हुए थे, चाहे वो आरामनगर हो, चार बंगला हो, चाहे ओशूरा हो, तो इन सभी के जो है वो बंद करके चले गए थे, भाड़ा बहुत महंगा पड़ रहा था। अब क्या होगा, धीरे धीरे वो लौट के आना शुरू हो चुके हैं, समझ गए ना बातों को, सारी चीज़ें अब दोबारा खोलनी पड़ेंगी। तो भाई अब उसमें जो है डेंटिंग पेंटिंग यानी रेनोवेशन का काम शुरू है, ठीक ठाक करने का काम शुरू हो रहा है वहाँ पे जो है अभी सारी चीज़ों को जो है बनाया जा रहा है, फिर से लोग अपने ऑफिस को क्रिएट कर रहे हैं, फिर अब वो ऐड वेड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें अभी वहाँ पर हो रही है। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि आपको अभी आने की थोड़ी ज़रूरत नहीं, अगर अभी आओगे आप तो आप देखो कि वहाँ पे काम चालू है, चाहे वो आरामनगर ले लो, चाहे वो माड़ा ले लो, चाहे वो ओशूरा ले लो, इन सभी जगहों पे अभी रेनोवेशन का काम चालू है। धीरे धीरे अपनी ये जो है ना ऑफिसेस खोलेंगे, वहाँ पर ऑफिसेस अच्छे से बनाएंगे, उसके बाद ही, क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी इस समय कोविड के जो है ना हालात अभी ठीक ठाक चल रहे हैं, मतलब कम होते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो गया कि बहुत सारे प्रोडक्शन अपने सीरियल की शूटिंग चालू कर रही है, इसके साथ साथ बहुत सारे जो है म्यूजिक एल्बम आने वाले, बहुत सारे वेब सीरीज आने वाली, फिल्मों की भी शूटिंग अब शुरू होने वाली है। तो ऐसे में क्या है कि बहुत सारे लोगों को आर्टिस्ट की जरूरत है, तो अब इनके ऑडिशन कैसे लिए जाएंगे? ऑडिशन जाहिर सी बात है ऑफलाइन लिए जाएंगे, ऑनलाइन में क्यों आप लोगों को काम नहीं मिला था इसकी मैं जानकारी दे दूं, क्योंकि अभी क्या हो रहा था कि ऑफलाइन में होता क्या था कि भैया अब हमें पता नहीं था कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। तो जो पहले से किसी प्रोडक्शन हाउस में काम कर चुके थे तो उनका जो है बायोडाटा और उनका ईमेल आईडी वगैरह रहता था, तो उन्हीं को ये प्रोडक्शन वाला कहते थे भैया भेज दे अपना जो भी वीडियो वगैरह जो भी अपना ऑडिशन है वो भेज दे, हमें पसंद आएगा हम ले लेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ था, पुराने लोगों को उसमें काम मिल रहा था, नए लड़कों के ऊपर कोई गेम खेलने को राजी नहीं था, भैया नए लड़कों को बुला लेंगे, पता चला कि वो घर में वीडियो बड़े अच्छे से बनाया लेकिन जैसी शूटिंग पे कैमरा ऑन हुआ पूरा का पूरा भूल गया, बर्बाद हो जाएंगे पैसे। इसीलिए नए लड़कों को चांस नहीं मिला था ऑनलाइन में, लेकिन ऑफलाइन में बहुत लोगों को चांस मिलता, क्योंकि जब आप कैमरे के सामने आते हैं और वो आपको जो साक्षात जो देखते हैं समझ जाते हैं कि आप कितने पानी में हो, आपको लेना है नहीं लेना। तो इसीलिए जो है ना ऑनलाइन जो है वो थोड़ा थोड़ा मतलब कि लोगों के मतलब इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा तकलीफदायक था, किसी को ऑनलाइन भेजने नहीं आता था, किसी लोगों को मतलब बहुत तकलीफ होता था। लेकिन अब जो है ऑफलाइन शुरुआत होगी, तो मैंने आपको बताया कि इन जगहों पर रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा इंतज़ार करिए, और थोड़ा इंतज़ार करेंगे तो उसके बाद आइएगा, आने के बाद आप इन जगहों पर चले जाइएगा। तो आज की वीडियो में आपको बता दिया हूँ कि ऑडिशन के लिए थोड़ा समय लगेगा, इन जगहों पर ऑडिशन का काम अभी जो शुरू होने वाला है। और हाँ, जब भी इन लोगों का ये सब चीज़ें होती हैं मतलब ऑडिशन की शुरुआत होने वाली होती है, तो भाई करते क्या है मेरे को नहीं बताते हैं, ये क्या करते हैं ऑडिशन ग्रुप पे फेसबुक व्हाट्सएप इस सब जगह पर फैला देते हैं कि भैया हमारे पास इस तरह के ऑडिशन है आप आइए। तो अभी क्या है, सरकार ने जो है महाराष्ट्र सरकार ने थोड़ी सी नियमों में थोड़ी ढिलाई दी है, पूरी तरह से ढिलाई नहीं दी है, ऐसा नहीं कहा कि आप भैया ऑफिस पूरा खोल दीजिए और लोगों को भर्ती करिए इतना गर्दी करिए, ऐसा अभी तक बोला नहीं है। इसीलिए अभी सब लोग थोड़ा थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या बीएमसी की फाइन या बहुत ज़्यादा ना पड़ता है। हालांकि अगर आप भी अगर अभी आएंगे या एक महीने के बाद भी आएंगे तो थोड़ा समझ के आइएगा, कानून वगैरह देख के आइएगा, अगर आपने नहीं पहना तो इसका भी फाइन देना पड़ेगा, समझ गए बात को। तो भैया इसीलिए हमेशा बोलता हूं कि चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं आपको नई नई जानकारी दूंगा। तो आज आपको बता दिया हूं कि ऑडिशन बहुत सारे कहां होते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल अभी मत आना अगर मेरी बात माने तो। हाँ ठीक है, अगर आपकी मर्जी का कोई दूसरा काम है मुंबई में तो चले जाइए ट्रेन पकड़ के, हाँ इस जगहों पर घूम के जरूर जाना, क्योंकि अगली बार जब आएंगे तो इन जगहों की दुकानें जो है खुल जाएंगी, उसमें आप भी जो है एक्टिंग के लिए हाथ आजमा लेना, मतलब कि ऑडिशन दे देना। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो और आज का ये नॉलेज जानकर आपको काफी अच्छा लगा, अच्छा लगा होगा तभी लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।